सब दीदी भाई जी के प्रणाम। हमारा नाम है संजुल देवी, भवानी जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष छी, सुगौना प्रगति जीविका ग्राम संगठन के इसी मेंबर छी। सब दीदी भाई जी के प्रणाम। हमर नाम देवपरी दुर्गा, जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष छी, सुगौना प्रगति जीविका ग्राम संगठन के जीवी मेंबर छी। सब दीदी भाई जी के नमस्ते। मना सुनीता देवी पार्वती जीविका स्वयं सहायता समूह को कोषा अध्यक्ष छी, सुगौना प्रगति के कार्यकर्ता अध्यक्ष छी। सब दीदी भाई जी के नमस्ते। हमर नाम चीना देवी, पूजा जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष छी, सुगौना प्रगति जीविका ग्राम संगठन के हम अध्यक्ष छी, सफल जीविका संकुल स्तरीय के कार्यकारिणी सदस्य छी। हाँ दीदी, अपने सब आज के एजेंडा की सब लिखे से बताए से भाई जी। मूंगा खेती के टाइम आ गया। हाँ दीदी, लिख दें हम। हाँ दीदी, और कौन चर्चा लिखे हुए? भिंडी खेती। हाँ दीदी, मूंग खेती पर चर्चा भ गेल, भिंडी पर भ गेल, और किस पर चर्चा करब तो अहाँ सब बोलू। और भाई जी चर्चा करबे जे जीवन बीमा पर गेल रहिए CLF में, तो भाई जी सब ओत बजलखिन, तो वो CC भाई जी पर बतौथिन जीवन बीमा के बारे में। केहन बीमा छे भाई जी? भाई जी सब दीदी के ही बता दियो से जीवन बीमा की छे। अच्छा, सबसे पहले सब दीदी के हमर प्रणाम। हमर नाम प्रदीप कुमार, हम राजनगर प्रखंड के अंतर्गत जीविका प्रोजेक्ट के तहत एकटा अहाँ सबके CC के पद पर काज करै छी। बहुत बढ़िया बात छे। सब दीदी के सबसे पहले ई जानकारी ले लेल जाओ जे बीमा की होइ छे, छै ने? तो दीदी बीमा एकटा योजना होइ छे, बीमा एकटा योजना के नाम छियै, जै के तहत जकरा करेला सँ छै ने इंसान के भविष्य में आर्थिक और किछ किछ और सुविधा सब सँ ओकरा आगा सहायता भेटै छै, छै ने? जेना कि आप मानि लिअ जे केओ बीमा करेलखिन, छै ने, कोई 50,000 के, लाख रुपया के, 2 लाख के, तो बीमा बहुत तरहक होइ छै, छै ने? तो बीमा करेला से की होइ छै कि अहाँ के जेना कि आब मानि लिअ कि एकटा बरसात शुरू भेलै, तऽ बरसात जे शुरू भेलै तऽ अहाँ के जे छै से बरसात के तऽ हम अहाँ रोकि नहि सकै छियै, छै ने? लेकिन ओकरा से बचाव के लेल एकटा छाता उपयोग करै छियै ने, केओ छाता केओ बरसाती उपयोग मे लबै छियै ने, तहिना बीमा योजना छियै जे अपना जीवन में अबै वाला घटना दुर्घटना के तऽ हम अहाँ रोकि नहि सकै छियै, लेकिन एहि योजना के लऽ कऽ बीमा लऽ कऽ बीमा करा कऽ अबै वाला भविष्य में कोनो घटना दुर्घटना में जे छै ने से ई हमरा ठीक ओहि छाता के तरह सहायक होइ छै जे कष्ट सँ बचा कऽ रखै छै। की जन अथी बीमा तऽ बहुते सुनै छै, जनश्री बीमा मे की होइ छै? भाई जी सब दीदी जानै छियै जे 5,000 से 10,000 से खुलै छै बीमा, लेकिन सब दीदी एते पैसा कहाँ से लेती? बहुत बढ़िया बात। जीवन बीमा बहुत तरहक होइ छै आ ओहिमे बहुत तरहक खर्च लगै छै, छै ने? अमीर सबके देखैत हेबै जे लाख लाख रुपया के, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपया के बीमा करबबै छै, आ गरीब दीदी सबके, गरीब व्यक्ति सबके जे छै
से ओते रकम नहीं हाथ अबै छै नहीं ओकरा लग में ओते पूंजी रहै छै तो ओ बीमा से वंचित रहै छै सह ने तो तही की बात के ध्यान में रखैत जे सब गरीब दीदियों के एकटा एकटा छोट से छोट बीमा होबक चाही उनको सबके जे छै से की सुरक्षा होबक चाही तही सुविधा के लेल जीविका प्रोजेक्ट जे छै से LIC के साथ मिलकर LIC के जनश्री बीमा लग अहाँ सबके बीच चलत है बुझलिए जनश्री बीमा आ वो बहुत कम पैसा में अहाँ के जे छै से बहुत बढ़िया सुविधा दीदी सबके भेटै छै ओहिमे आब जे छै से एहि बीमा के लेल एकटा और शर्त छै शर्त की छै तऽ सबसे पहिल नंबर तऽ अहाँ के दीदी जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य होना चाही जे अहाँ सब तऽ छी है अहाँ सब लग कोनो दिक्कत नहि छै ने लेकिन शर्त छै जे जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य होबाक चाही संगहि संग दोसर शर्त छै जे हुनकर उम्र जे छै से 18 से 60 के बीच हेबाक चाही यानी कि कम से कम 18 हेबाक चाही और अधिकतम 59 वर्ष तक हेबाक चाही 60 से क्रॉस कऽ गेलै तऽ ओहि दीदी के बीमा नहीं भेटतनि छै ने भाई जी हम जे एहिमे अथीमे जुटल छी तऽ हमरा पतिके हमरा बेटाके बीमा भऽ सकै छै अहाँ पतिके या अहाँ बेटाके बीमा भऽ सकै छै नहि दीदी ई सब दीदी कान खोलि कऽ सुनि लिअ जे सबसँ पहिल कंडीशन शर्त बतेने छलहुँ हँ जे जीविका महिला स्वयं सहायता समूहके सदस्य दीदी हेथिन तीनके टा भऽ सकै छै ने आब अहाँ सङ्ग सङ्ग ई कखनो जे छै से दिमागमे जे छै से अथी नहि राखब छै ने संकोच जे कहैके मतलब अहाँ सङ्ग सङ्ग दोसरोके भऽ सकै छै जे दीदी महिला ग्रुपमे छथिन समूहमे छथिन तिनके टा ई बीमा हेतनि आ ई व्यक्तिगत बीमा होइ छै ने आ व्यक्तिगतके मतलब भऽ गेलै जएह दीदी छथिन तिनके टा छै ने तऽ एहिमे कोनो पतिके या पुत्रके या कोनो आओर जे छै से अहाँके पारिवारिक सदस्यके नहि कोनो अहाँके जे छै से बीमा एहिमे हेतै हाँ भाइजी बीमा तऽ खोलेबे लेकिन की कहै छै एहिमे खर्च की छै आ केना केना की सब बनै छै से तऽ बतेबै ने हाँ हाँ जरूर बतेबै आओर बहुत बढ़िआँ सवाल पुछलियै अहाँ सब दीदी शान्तिसँ एकरा सुनि लिअ ई बीमा कोना करायल जेतै छै ने एहिमे की खर्च लगै छै सएह पूछै छियै ने अहाँ तऽ एहि बीमा करबैके लेल अहाँ सबके ज्यादा परेशान होइके जरूरत नहि अइ सब अपन अपन समूहमे जे CM दीदी या भाईजी छथि ने या अहाँके जे समूहके प्रतिनिधि हेती अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हुनका सब बैठकमे चर्चा करबनि ठीक छै ने आओर तकर बाद जे छै से ओहिमे CM दीदी या CM भाईजी हेती हुनका लगमे एकटा जनश्री बीमाके प्रपोजल फॉर्म हेतै देखियौ दीदी सबसँ पहिले ई छियै जनश्री बीमाके प्रपोजल फॉर्म या आवेदन फॉर्म जकरा कहियौ ठीक छै ने इएह अहाँके समूहके बैठकमे CM भाईजी या दीदी जे केओ हेती अहाँके से भरती ठीक छै ने अहाँसँ एहिसँ सम्बन्धित जानकारी पूछती आओर एहिमे भरल जेतै ठीक छै ने आ ई भरलाके सङ्ग सङ्ग अहाँके अपन एकटा ID प्रूफ सेहो दिअ पड़त ठीक छै जेनाकि हे देखियौ फोटो पहचान पत्र एहि फॉर्मके सङ्गे सङ्गे ई फोटो पहचान पत्र जकरा वोटर ID कार्ड कहै छियै छै ने ई फोटो पहचान पत्रके लगेबाक छै लेकिन ओरिजिनल नहि एकरा सङ्ग सङ्ग जे छै से एकरे ई फोटो स्टेट करा कऽ देबै ओरिजिनल दऽ देबै तऽ अहाँ सब लग तऽ नहि किछु रहत तऽ ताहि दुआरे एकर फोटो स्टेट करबा कऽ अहिना लगेबै छै ने तऽ सबसँ पहिले जनश्री बीमाके फॉर्म आ तकर बाद ई फोटो पहचान पत्रके फोटो कॉपी ठीक छै ने अच्छा आ सङ्गमे जे छै से तकर बाद अहाँके एहिके खर्च मात्र अहाँसब खर्च कहै छलियै ने कतेक लगै छै बड़ कम खर्च लगै छै मात्र 100 रुपैआमे भरि सालके लेल ई बीमा भऽ जाइ छै कहै छै ई 100 रुपैआ छियै ई 100 रुपैआ मात्र एहि सङ्गे देबाक छै आ 100 रुपैआमे ई बीमा भऽ जेतै ठीक छै आ पूरे 1 सालके लेल एकर रिस्क कवर रहतै बुझलियै ने तऽ आप सबके जानकारी भेटल हाँ भाई जी हाँ ठीक आओर कोन दीदीके सवाल भाईजी नम्बरी चलतै कि दूटा 50 चलतै नम्बरी चलतै आ कि दूटा 50 से काज चलि जेतै बहुत बढ़िआँ सवाल कहलहुँ हँ दीदी जे नम्बरिए चलतै आ कि दूटा 50 से काज भऽ जेतै
तो ई चीज हमेशा ध्यान रखब जो हम 100 रुपया बतेलहुँ हँ आ हमरा जेबीमे 100 के नोट छला तो अहाँके देखा देलहुँ जे 100 रुपया खर्च लगै छै। आब जरूरी नहि छै कि एक नम्बरिए टा हेबाक चाही, 2 टा 50 टकियो हुए या 10 टा 10 टकियो हुए या 5 टा 20 टकियो हुए, कहैके मतलब 100 रुपया से मतलब छै। हमरा पास तऽ भाई जी पहचान पत्र नहि है, तक केना खुलतै हमरा? अच्छा, अहाँ लग पहचान पत्र नहि अछि? नहि। अच्छा, पहचान पत्र नहि है? बहुत बढ़िआँ सवाल आयल हूँ लगमे जे एहि दीदी लगमे पहचान पत्र नहि छनि तऽ आखिर जनश्री बीमा ई कोना लेती छै ने? तऽ एहन तऽ कएटा दीदी हथिन जिनका लगमे पहचान पत्र नहि भऽ सकै छनि, छै ने? जरूरी नहि छै कि सब लग पहचान पत्र हेबे करै। तऽ दीदी अहाँ लग पहचान पत्र नहि अइ तऽ अहाँ लगमे लाल कार्ड या पीला कार्ड कोनो जे राशन कार्ड जे भेटै छै? लाल कार्ड छै ने? हां, ओहो साबुत वाला ने, गहूम चाउर वाला छै। हां हां, तऽ गहूमे चाउर ऊपर भेटै छै ने? हां, तऽ लाले कार्ड होय राशन कार्ड जकरा कहै छै ने, तऽ अहाँके पहचान पत्र जे दीदी लगमे नहि होय से दीदी अपन राशन कार्ड के फोटो कॉपी करा कऽ देथिन। जहिना पहचान पत्र के ओरिजिनल नहि दऽ कऽ फोटो स्टेट दै छथिन ने, तहिना जे छै से लाल कार्ड या राशन कार्ड या पीला कार्ड जे किछु हेतै तिनकर पहचान तकर जे छै से फोटो स्टेट करा कऽ ओ लगा देबाक छै सङ्गमे, ठीक छै? सब चीज तऽ भाई जी बतौलिए, लाभ कहाँ बतौलिए भाई जी? बहुत बढ़िआँ दीदी, अहाँ सबके बीमा लैके लेल यानी कि बीमा खोलबैके लेल खर्च बता देलहुँ, ओहिके सङ्ग सङ्ग अहाँके जे प्रूफ लगतै सेहोके बारेमे बता देलहुँ, लेकिन एकटा चीज नहि बतेलहुँ जाहि लए सबटा चीज करेबै, लाभ बतेबे नहि केलहुँ, सएह ने पूछलिए अहाँ? तऽ देखियौ दीदी, एहि बीमा करेलासँ 3 स्थितिमे लाभ भेटै छै। पहिल स्थिति की छै तऽ साधारण मृत्यु होय, जकरा मृत्यु भऽ जाइ छै ने? दोसर छै जे अहाँके शरीरके कोनो अङ्ग भङ्गपर, ठीक छै ने? पहिल शर्त छै जे मृत्युपर, दोसर शर्त छै जे अहाँके कोनो अङ्ग भङ्ग भेलापर, आ तेसर जे महिला सबके जे कोनो गम्भीर बीमारी भऽ गेलनि छै ने, कोनो पैघ बीमारी भऽ गेलनि तऽ ओहो आधारपरमे पैसा भेटै छै, ओहो स्थितिमे एहिमे सुविधा भेटै छै। तऽ पहिल छै अहाँके मृत्यु, एहिपर चर्चा कयल जाए। तऽ मृत्युमे अहाँके ओहोमे 2 कंडीशनमे भेटै छै, 2 शर्त छै। जँ साधारण मृत्यु भेलै तऽ 30,000 के जे छै से बीमा राशि भेटै छै, हुनकर जे नॉमिनी हेथिन लेकिन उत्तराधिकारी हेथिन से बीमा जहन खोलेबै तऽ ओहिमे सबचीज जहन भरल जेतै तऽ ओहिमे एकटा उत्तराधिकारीके नाम सेहो भरल जेतै, जहाँ उत्तराधिकारी किनका बनबै छियनि, पतिके या पुत्रके, जिनका अहाँ बनेबनि जे खातो खोलबै छियै ओहिमे उत्तराधिकारी दै छियै ने, तऽ ओहि अनुसारे बीमोमे छै उत्तराधिकारीके नाम दिअ पड़त, अहाँके पति होयत, बेटा होयत, जे होयत छै ने। तऽ अहाँके साधारण मृत्युमे अहाँके जे छै से 30,000 रुपैआ अहाँके नॉमिनीके भेटै छै, जे बीमा केने रहथिन व्यक्ति दीदी तिनकर नॉमिनीके छै ने। दोसर, दुर्घटनासँ जे कोनो मृत्यु भऽ गेलनि किनको, जेनाकि आब कोनो ठोकर लागि गेलनि छै ने, कतहुसँ खसि पड़लखिन तखन हुनकर मृत्यु भऽ गेलनि, मतलब बाहरी जे कोनो आघातसँ जे हुनकर मृत्यु भेलनि, तऽ ओहि स्थितिमे 75,000 रुपैआके बीमा राशि हुनका नॉमिनीके भेटतनि। भाई जी, साधारण मृत्यु की होइ छै आ ओ दुर्घटना की होइ छै? बहुत बढ़िआँ सवाल केलहुँ दीदी, जे मृत्यु केस 2 तरहक होइ छै, जेना बतेलहुँ दुर्घटना मृत्यु आओर साधारण मृत्यु। तऽ साधारण मृत्यु समझि लिअ जे जेना केओ सुतलखिन आओर सुतले रहि गेलखिन ओ, ठीक छै ने, तऽ ओकरा साधारण मृत्यु कहल जाइ छै। केओ पानिमे डूबि गेलै छै ने, ककरो साँप काटि लेलकै भेलै ने, तऽ ओ सब साधारण मृत्युमे भेलै। हाँ दीदी, आब दुर्घटनासँ जे मृत्यु होइ छै ताहिके बारेमे जानकारी लऽ लिअ। दुर्घटनाके मतलब भऽ गेलै जे बाहरसँ कोनो चीजके बाह्य आघातसँ अहाँके कोनो तरहक जे छै से मृत्यु भेनाइ, जेनाकि आब मानि लिअ कतहु जाइ छी रास्ता पेरा ठोकर लागि गेलै छै ने, गाड़ी घोड़ासँ ठोकर लागि गेलै ओहिमे किनको मृत्यु भऽ जाइ छनि, ठीक छै ने। केओ चलै फिरै छी छतसँ खसि पड़लहुँ ओहिमे मृत्यु भऽ गेल, ठीक छै ने। मतलब जे सामान्यसँ हटि कऽ होइ ओकर FIR दर्ज होइ। FIR दर्जके मतलब भऽ गेलै जे अहाँके जे एहि तरहक जे कोनो मृत्यु होइ छै तऽ देखैत हेबै पुलिस केस बनि जाइ छै, बनै छै ने, तऽ ओकरे कहल जाइ छै FIR। तऽ जाहि मृत्युमे अहाँके पुलिस हस्ताक्षेप करता, पुलिस केस बनतै, FIR दर्ज हेतै, ओ भऽ गेलै एक्सीडेंटल मृत्यु छै ने, दुर्घटना मृत्यु छै ने। ओहि स्थितिमे जे बीमित व्यक्ति रहथिन, बीमित दीदी रहथिन, हुनकर नॉमिनीके 75,000 रुपैआके बीमा राशि भेटतनि, ठीक छै।
दोसर बात होइ छै कि अहाँ के बतेने छलहुँ हँ दोसर स्थिति अंग भंग भेनाइ, तऽ बीमा के तहत जे छै से अहाँ के दूटा आँखि, दूटा हाथ, दूटा पैर, एहि के मान्यता देल गेल छै जे एहि दूटा दूटा के छोटा अंग भऽ गेलै, दूटा आँखि भेलै छै ने, दूटा हाथ भेलै, दूटा पैर भेलै, तऽ छोटा अंग भऽ गेलै। एहि छओ अंग मे सँ जँ कोनो बाहरी चोट सँ, जेनाकि कतौ लड़ाइ झगड़ा भेलै, केकरो लड़ाइ झगड़ा मे एकटा बहिए काटि देलकै छै ने, केकरो एकटा आँखिए फोड़ि देलकै छै ने, केकरो एकटा टाँगे कटा गेलै छै ने, या कतौ ठोकर लगलै तऽ ओहिमे एकटा टाँग कटा गेलै, तऽ एहि छओटा अंग मे सँ जे एकटा अंग केकरो दुर्घटनावश नाकाम भऽ जाय छै ने, बेकाज भऽ जाय, तऽ ओहि स्थितिमे जतेक बीमा छै, यानी कि 75,000 के आधा 37,500 रुपैआ ओहि बीमित व्यक्तिके भेटतनि। आओर दीदी, यदि कोनो दुर्घटनावश कोनो बीमित व्यक्तिके दूटा अंग समाप्त भऽ जाइ छै, दूटा अंग नाकाम भऽ जाइ छै, जेनाकि ककरो एकटा आँखि आ एकटा पैर नुकसान भऽ गेलै, एकटा हाथ या दुनू हाथे दुनू पैरे दुनू आँखिके नुकसान भऽ गेलै, तऽ दू अंग नुकसान भेलापर अहाँके 75,000 रुपैआ भेटै छै, ठीक छै ने। आओर ई तऽ भऽ गेल अंग भंगमे, दुर्घटनासँ अंग भंगमे। आओर तेसर कहने छलहुँ हँ जे अहाँके जे कोनो दीदीके विशेष बीमारी भऽ जाइ छै, जाहिसँ दीदी कोनो काजक नहि रहली, ओ अपन जीवन यापनके साधन नहि जुटा पेली, तऽ ओहि स्थितिमे ओहि दीदीके 20,000 रुपैआ बीमाके शर्त अनुसार, जे ओहि बीमाके कंडीशन छै, शर्त छै, ओहि नियमानुसार हुनका 20,000 रुपैआके सेहो सुविधा देल गेल छनि। भाईजी, जे दीदीके किछु नहि हेतै आ जमा केने छै, ओकरा की हेतै? बहुत बढ़िआँ। अच्छा अच्छा, तऽ कहैके मतलब छै जे दीदी भरै छथिन आ ओहिमे सबटा बताएल गेलै जे एक्सीडेंटे पर कि मृत्युए पर भेटतै, तऽ कहैके मतलब जे दीदी जीवै छथिन तिनका की भेटतै, सएह ने? किछु नहि हेतै। अच्छा, जिनका किछो नहि हेतै, ओ दीदी भरै छथिन, हाँ हाँ, हुनका की लाभ हेतै? हुनको बहुत पैघ लाभ छनि। हुनका लाभ ई छनि जे दीदी सभक बाल बच्चा तऽ इसकुलमे पढ़ैए छै ने, सभक बाल बच्चा इसकुलमे पढ़ै छै। अच्छा, जिनकर बच्चा जै दीदीके बीमा भऽ गेलनि हुनका जे छै से ई बॉन्ड पेपर भेट गेल छै ने, आ ओहि दीदीके बच्चा जँ अहाँके नौमासँ इंटर तक, यानी कि बारहवीं तक, नौमा दसवां ग्यारहवीं बारहवीं होइ छै ने, नौमासँ लऽ कऽ ग्यारहवीं तकके वर्गमे पढ़ै छथि, तऽ एक दीदीके दूटा बच्चाके 100 रुपैआ प्रति महिनाके हिसाबसँ प्रत्येक 6 महिनापर छात्रवृत्तिके रूपमे देल जेतै, ओहो एहि बीमाके तहत सुविधा छै। अँ भाईजी, हमर बच्चा पढ़ैए ब्राइड इसकुलमे, मने प्राइवेटमे। हाँ हाँ, तऽ हुनका नहि भेटतै? प्राइवेटमे पढ़ै छथि। हाँ। अच्छा, एकटा चीज ध्यान राखब दीदी, जे ई जे किछु सुविधा छै छात्रवृत्तिके, ई सरकारके एकटा योजना छै, छै ने? हाँ। जकरा जनश्री बीमाके तहत अहाँ सबके तऽ गरीब दीदी तक पहुँचाएल जाइ छै ने, तऽ ई अहाँके सरकारी इसकुलमे जिनकर बच्चा पढ़ैत हेतनि तिनके टा भेटतै। भाईजी, जकरा मने LIC छै आ तकरा पतिके कि बेटाके किछो भऽ जेतै, तकरा की भेटतै, लाभ भेटतै? बहुत बढ़िआँ प्रश्न है अहाँके, जे LIC यानी कि जनश्री बीमा जे होइ छै, सएह ने? तऽ जनश्री बीमा के मे व्यक्तिगत बीमा छै। शुरूएमे कहने छलहुँ हँ जे ई वएह दीदी करा सकै छथिन जे दीदी जीविका महिला स्वयं सहायता समूहके सदस्य छथिन, आ सङ्गहि सङ्ग व्यक्तिगत बीमा छै। एहि बीमासँ अहाँके जिनकर बीमा भेल रहतै तिनके टा लाभ भेटतै, न कि हुनकर पति या पुत्रके। एकटा चीज ध्यान राखू, जे कहैके मतलब ई अइ जे जेनाकि आब कोनो दीदी बीमा करेलखिन, तऽ बीमासँ सम्बन्धित रिस्क कवर, जेनाकि आप ककरो कहलहुँ एक्सीडेंटसँ मृत्यु भऽ गेलै या टाँग हाथ टूटि गेलै, तऽ ताहि कंडीशनमे जे पैसा भेटै छै, तऽ ई सब लाभ, बीमाके लाभ बीमा टा मात्र हेतै दीदीएके, ठीक छै ने? दीदीके जे अगर कोनो तरहक कोनो बात हेतै तखन भेटतै, लेकिन जब हुनका घरमे कोनो पतिके कोनो तरहक मृत्यु भऽ छनि, एक्सीडेंट भऽ छनि, या पुत्रके मृत्यु एक्सीडेंट भऽ छनि, तऽ ओहि स्थितिमे दीदीवला बीमा ओकर काज नहि करतै। लेकिन दीदीके जे किछु हेतै तऽ हुनकर पुत्र या पतिके हुनकर रकम जरूर भेटतै नॉमिनीके तौर परमे, ठीक छै ने? देखियौ दीदी, एकटा चीज आओर ध्यान राखब, जे एहि बीमासँ जतेक तरहक लाभ सुविधा बतेलहुँ हँ सबटा लैके लेल प्रत्येक साल
एक वर्ष पर प्रत्येक साल जे छै से अपन समूह में 100 रुपया दक ई बीमा के रिन्यूअल जरूर करबैत रहब। आप जे छै से अहां सब अपन अपन समूह में जाकर सीएम भाई जी से बात क क अपन अपन बीमा खोलवा सकै छी की दीदी? अब अहां सब करबे जेबे ने बीमा? हां बीमा सब की ओ जरूर करवा ले। दीदी यहाँ सब लक चले लिए है। हां दीदी हम लक आलिए अहां से नहीं खोले भाई। हम सब भी सेट के लिए नहीं ले लिए दीदी। अहां सब लक खला ले। हां हम सब खला ले। जे दीदी सब पछि आल छी सब खला ले। आ ठीक छी ठीक छी दीदी। हमरा सुन के साल भर भ गेलै दीदी। अच्छा दीदी जनश्री बीमा कराबा के लेल कोन कोन लक आल छी फोन? हम आल छी भाजी देखियो हेलो एगो पहचान पत्र। अच्छा ई पहचान पत्र छै? हां भर दै छी हम एहिमे 100 रुपया ओ दीदी के जमा कर देबे ना। अच्छा दीदी। हाँ भाई जी। नाम भ गेल समोला देवी। हाँ। और पति के नाम भ गेल सत्यदेव राय। हाँ भाई जी। चलो एड्रेस में लिखे छे चपाही पूर्वी। हाँ भाई जी। आ गांव सुगौना। हाँ। प्रखंड राजनगर भेगे। हाँ। आ जिला मधुबनी भेगे। हाँ। ठीक है ठीक है। चलो अब अहाँ के जन्म तिथि जो है 1960 के है दीदी, ठीक है ना? हाँ भाई जी। अच्छा अच्छा दीदी नॉमिनी में किनकर नाम देवे? भाई जी बेटे के नाम रहते तो ठीक रहते। कत्ते साल के लड़का छे? 14 साल के। 14 साल के तब दीदी वही में तो नाबालिग भ गेले। अच्छा तो ऐसा नहीं होता है? नहीं हेते लेकिन अहाँ के नाबालिग छे। हाँ। जा तक बालिग नहीं हेते। हाँ। ता तक अहाँ के जे छे अपना पति के नाम ही दिए पड़त। अच्छा तो पति के नाम देवे पड़ता है? हाँ तो पति के नाम भी लिख दी छी। ठीक छे चलो सत्यदेव राय लिख दी छी। लिख दियो। अच्छा दीदी लड़का के की नाम है? श्याम कुमार। श्याम कुमार चलो लिख देलो। अच्छा दीदी अहाँ के कोनो पहचान चिन्ह है? हाँ भाई जी है नाक के नीचा पहचान है तिल के। अच्छा चलो लिख दिलिए। अच्छा स्वस्थ अच्छे है अहाँ के? हाँ भाई जी। चलो दीदी कैटा बच्चा स्कूल में पढ़ी अहाँ के? चारटा बच्चा। चलो हुनकर नाम लिखा दिया दीदी बजू तो। ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी जेठ लड़की छे की? हाँ। कते उम्र छे इनकर? उनकर 18 साल के। 18 साल भ गेले। कोन क्लास में पढ़िया दीदी? इंटर में भाई जी। इंटर में पढ़े छे? हाँ। चलो इंटर कते स्कूल छे? राजनगर कॉलेज में पढ़िया। राजनगर भ गेल। दोसर लड़का के नाम कहियो? श्याम कुमार। श्याम कुमार इनकर उम्र तो 14 वर्ष छे। हाँ। अच्छा ई कोन क्लास में पढ़िया? आठवा में पढ़े छत। कोन स्कूल में? भगवानपुर में। भगवानपुर में हाई स्कूल में ना दीदी? मिडिल स्कूल में भाई जी। मिडिल स्कूल में। हाँ। ठीक छे दीदी। और तेसर लड़का के? तेसर लड़की छे भाई जी। लड़की की नाम छे? स्वाति कुमारी। उम्र कते छे दीदी? 12 साल भाई जी। 12 साल कोन क्लास में पढ़िया? पाँचवा में। स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़े थे? नहीं भाई जी मिडिल स्कूल कहाँ छी सर। तब कौन स्कूल में? प्राथमिक स्कूल में। प्राथमिक। चलो प्राथमिक स्कूल में। और सब जो छोट जे छे? रूपम कुमारी। चलियो क्या साल के है? 7 साल के। 7 साल के। अच्छा उनको पढ़ाई में दे देने छी ना? कौन क्लास में पढ़िया? पहली में पढ़िया। चलो इहो प्राथमिके में पढ़िया। चलो ठीक छे दीदी लिख देलो। अब अठान अहाँ अपन जे छे साइन कर दियो। लियो ऊपर में।
ठीक छै आ पाई कोषाध्यक्ष दीदी के द दिए एलिया दीदी 100 रुपया अच्छा दीदी ए दीदी के तो भ गेले और कोई दीदी छिए जे इंश्योरेंस करबै चल दिया ई तो फॉर्म हम सबटा भर लेलौ सब दीदी के अब एकरा जाके हम वीओ मीटिंग में द दे छी अब ओई ठाम से जे है ब्लॉक में जाके ही जमा भ जेते ठीक छै ठीक छै ना दीदी चलू